The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। कैसे हैं आप दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप जानते हैं हम हेल्थ और हेल्थ केयर के वीडियो में बारिश में वीडियो बनाते हैं और सारे वीडियोस ऑथेंटिक वेरीफाइड होते हैं। हमने बहुत सारे विटामिन कवर कर चुके हैं, विटामिन सी, विटामिन डी। आपने ऑलरेडी वीडियो देखे, नहीं देखे तो ढूंढ के देख लीजिएगा। और आज हम बात करेंगे विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व बहुत ज़रूरी विटामिन है भाई, बहुत लोगों को इसकी डेफिशिएंसी है, ज़रूरत है आपको इसके बारे में जानना अति। आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, यू नीड टू सी दिस वीडियो, डोंट गो एनीवेयर, लेट्स स्टार्ट। विटामिन बी ट्वेल्व क्या है? ये एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। वाटर सॉल्यूबल विटामिन क्या होते हैं? वो पानी में घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी जैसे ही वो विटामिन का यूज हो गया, काम हो गया, बाकी का जो बचा हुआ विटामिन है वो उठा के बाहर पेशाब से निकाल देगी। तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी रेगुलर ज़रूरत होती है। ऑल्दो विटामिन बी ट्वेल्व आपकी बॉडी थोड़े दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए स्टोर कर सकता है लिवर के अंदर। जी हाँ, स्टोर कर सकता है कुछ मात्रा में, लेकिन आपको उसकी रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है और बहुत ही आसानी से डेफिशिएंसी हो जाती है। तो B12 की डेफिशिएंसी से क्या होगा? B12 कहाँ से मिलेगा? B12 का फंक्शन क्या है? वो करता क्या है? लेट्स गो इनटू दिस। B12 क्या करता है? विटामिन B12 और बाकी सारे बी विटामिन, बी ग्रुप है पूरा, 1, 2, 3, 4 ग्रुप 12 तक है। सो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा बी विटामिन का ग्रुप आपके मसल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए। पूरे मसल के, पूरी बॉडी के प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मसल के अलावा और भी प्रोटीन्स है बॉडी में, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन B12। वो नहीं होगा तो सही से काम नहीं होगा बॉडी में। बॉडी के रेड ब्लड सेल्स जो कि हीमोग्लोबिन लेके जाते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन लेके लंग से, फेफड़ों से सारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो आपके बनने में, उसके बनने में विटामिन B12 की ज़रूरत है। अगर वो नहीं होगा तो रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगे, पूरी बॉडी की एनर्जी कम, हर एक सिस्टम अफेक्ट होगा। साथ ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन, आपकी नर्व्स, आपकी नसें। तो नर्व्स के फंक्शन, नर्व्स के मेंटेनेंस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में बहुत ज़रूरी है आपका B12। सो B12 मिलेगा कहाँ से? B12 नेचुरली आपको मिलता है वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल प्रोटीन्स में, एनिमल नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में। प्लांट फूड में B12 ना या तो नहीं है, या है भी तो वो बहुत यूजलेस है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, आप नहीं कर पाते। और अनलेस एंड अंटिल प्लांट बेस्ड जो फूड है उसमें फोर्टिफाइड किया गया हो, फोर्टिफाइड डाला गया हो, राइट, दैट इज़ द थिंग। सो आपको जितना चाहिए रिकमेंडेड अमाउंट उतना आपको मिल सकता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, अंडे, चिकन, मटन, पोल्ट्री, शेलफिश, ऑर्गन मीट, ये सब खाएं। या फिर अगर आप प्योरली वेजिटेरियन, वेगन है, ये नहीं खाते, तो ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, कई न्यूट्रिशनल यीस्ट्स हैं जिनमें फोर्टिफाइड होता है विटामिन B12, वो आप खाएं तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको जानना है कि आप जो खा रहे हो उसमें विटामिन B12 फोर्टिफाइड है कि नहीं, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का न्यूट्रिशनल लेबल जो उसमें होता है, फूड लेबल, वो पढ़ें, उसमें लिखा होगा B12 डाला है नहीं डाला है, राइट। सी, बॉडी आपकी एनिमल सोर्सेज, जो नॉन वेज सोर्सेज का B12 है, वो ज़्यादा बेहतर एब्जॉर्ब करती है एज कम्पेयर टू प्लांट सोर्सेज ऑब्वियसली। और नॉन वेज सोर्सेज जो होते हैं वो B12 के वेरी करते हैं, राइट, नॉन एनिमल सोर्सेज भी वेरी करते हैं, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। लेकिन फिर भी इट्स गुड, अगर आपको डेफिशिएंसी हो रही है तो डॉक्टर से बात करें। डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं डेफिशिएंसी किसको होगी। देखिए, B12 कम है, B12 की डेफिशिएंसी है, उसका मतलब बॉडी के अंदर या तो B12 जा ही नहीं रहा, आप खा ही नहीं रहे, या आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं, खा रहे हो, पेट में जा रहा है लेकिन खून में नहीं जा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। दो कब होगा? एक तो उम्र के साथ, 50 साल की उम्र के बाद आपकी बॉडी की स्लोली एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी कम होती जाती है, B12 एब्जॉर्ब करना कम हो जाता है। जो लोग वेगन है, प्योर वेजिटेरियन वेगन लोग हैं, जो बिल्कुल भी दूध भी नहीं लेते, उन लोगों को या तो B12 फोर्टिफाइड फूड खाना पड़ेगा, या तो B12 सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, उनके अंदर तो B12 जा ही नहीं रहा, बिल्कुल सही। जो लोगों का पेट का ऑपरेशन हुआ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है, कोई वेट लॉस सर्जरी कराई है, कोई पेट की ऑपरेशन हुआ है, उनका भी B12 की
एब्जॉर्ब करने की क्षमता खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, सो उनको भी B12 सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। जो लोगों के पेट में कोई ऐसी बीमारी है, पेट की बीमारियां अंदर की, इंटेस्टाइन्स की, जैसे सीलियक डिजीज, क्रॉन्स डिजीज, ऐसी बीमारियों में जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस, ऐसी बीमारियों में भी B12 के को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, उन केस में भी उनको विटामिन B12 सप्लीमेंट करना पड़ेगा, रेगुलर टेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर B12 कम हो गया तो प्रॉब्लम होगी, खून में प्रॉब्लम, खून के सेल्स RBCs कम बनेंगे तो एनीमिया होगा, परनीशियस एनीमिया, और सारे शरीर में, सारे बॉडी में ऑक्सीजन कम जाएगा तो कहीं भी प्रॉब्लम, कोई भी सिम्टम, साइकोसोमेटिक सिम्टम हो सकता है, दिमाग का काम सही से नहीं चलेगा, नसों का काम सही से नहीं चलेगा, नसों में डैमेज हो सकता है, तो टिंगलिंग नमनेस, चीटियां जैसे नमनेस होगा हाथों में, पैरों में, बैलेंस प्रॉब्लम आ सकता है, वीकनेस, फटीग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के B12 के लिए। तो इसीलिए डाइट से और रिस्क फैक्टर से समझना, भाई इसको रिस्क है तो इनको B12 देना चाहिए, ऐसे ही आपको देखना पड़ता है कि आपकी B12 कंप्लीट हो रही नहीं हो रही, राइट। बेस्ट वे कि आप अपना B12 का रिक्वायरमेंट कंप्लीट करें, उसका बेस्ट तरीका है कि अलग अलग प्रकार के वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल फूड्स आप खाएं, अपने डाइट में खाएं, रेगुलरली खाएं, राइट। सिर्फ वो खाएं ऐसा जरूरी है, प्लांट बहुत जरूरी है भैया, लेकिन एनिमल फूड खाना चाहिए। इस कारण से अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अगर नहीं खाते तो फिर आपको फोर्टिफाइड फूड, विटामिंस, B12 विटामिंस लेने चाहिए। देखिए सारे मल्टीविटामिंस में B12 होता तो है ही, अगर आप सप्लीमेंट करना चाहें तो सारे मल्टीविटामिंस में B12 तो होता ही है, लेकिन B12 सबसे अच्छा एब्जॉर्ब होगा बाकी सारे बी विटामिंस के साथ, नियासिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, इन सब के साथ, बाकी सब के साथ विटामिन B12 अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन अगर चाहिए मल्टीविटामिन का तो आप अपने डॉक्टर से ले सकते हैं, वो उसके एडिशनली आपको इंजेक्शंस भी लगवा सकते हैं, B12 के नेजल जेल भी आते हैं अगर बहुत ही कमी है तो, राइट, जल्दी पूरा करना है, वरना धीरे धीरे पूरा होता है, धीरे धीरे एक दो महीने लगते हैं, आराम आराम से एक दो हफ्ते लगते हैं B12 पूरा होने में, राइट। और आज के डेट में ऐसी भी आती हैं जो जवान के नीचे सब लिंगुअल B12, वो भी अवेलेबल है। देखिए एक चीज़ होती है RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस, ये होती है उन खाने पीने की चीज़ों में विटामिन की, कि एक दिन में मोस्ट लोगों को कितना खाना चाहिए ऑन एन एवरेज, लेकिन ये तो गोल है, ये तो एक आइडियल एवरेज गोल होगा, इतना खाना चाहिए, लेकिन भैया आपकी एज, आपका जेंडर, आप मेल है फीमेल है, आपकी अदर दूसरी कंडीशन, आप बीमार हैं, आप प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है जो डिसाइड करती हैं कि आपको कितना विटामिन चाहिए। जैसे अगर आप प्रेग्नेंट है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेशन पिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, तो आपको ज़्यादा विटामिन चाहिए, ज़्यादा B12 चाहिए, तो आपके डॉक्टर बेस्ट सोर्स है ये जानने के कि आपको कितना चाहिए। लेकिन अगर आप जानना चाहें कि डाइटरी रेफरेंस कितना है, इनटेक कितना खाना है B12 का, तो ये रहा आपके लिए डिटेल। इन्फेंट्स को 6 महीने तक से छोटे बच्चे को 0.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 चाहिए एक दिन में, 7 महीने से 12 महीने तक 0.5 माइक्रोग्राम, छोटे बच्चे जो 1 से 3 साल के 0.9 माइक्रोग्राम, 4 से 8 साल 1.2 माइक्रोग्राम, 9 से 13 1.8 माइक्रोग्राम्स, और आदमियों को या औरतों को जिनकी एज 14 साल से ऊपर है, 14 साल से ऊपर एडल्ट्स है या एडोलसेंट है, उनको 2.4 माइक्रोग्राम्स पर डे चाहिए विटामिन B12। प्रेग्नेंट लोगों को प्रेगनेंसी में 2.6 ज़्यादा, और ब्रेस्ट फीडिंग में 2.8 उससे भी ज़्यादा, ब्रेस्ट फीडिंग में उससे भी ज़्यादा चाहिए। तो विटामिन B12 अपने डाइट में रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसी गलती करी कि वो नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी भैया। याद रखिए साइनोकोबालामिन या कोबालामिन उसका नाम है, B12 बहुत ज़रूरी है, बहुत लोगों को डेफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा। सो नेक्स्ट हेल्थ चेकअप में अपने B12 चेक करना मत भूलिए, साल में एक बार चेक करिए कम से कम, और अगर कमी है तो 6 महीने बाद फिर चेक करिए कि भाई पूरी हुई नहीं हुई। कई बार ऐसा होता है हम B12 विटामिन खा रहे हैं लेकिन फिर भी कमी नहीं पूरी हुई। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम पेट में है कि खा तो रहे पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। उस केस में आपको इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, ताकि विटामिन B12 खून में पहुंचा तो लिवर स्टोर करेगा साल के लिए, तो साल बाद फिर ले लेंगे, ऐसे चल जाएगा काम, ठीक। सो ये हुआ आपका B12 का वीडियो, आई होप दिस हेल्प्स। स्टे हेल्दी, शेयर करिए, सबको बताइए भाई ये वीडियो बहुत जरूरी है, वैसे मैं बोलता तो हूं लेकिन ये वीडियो शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।